नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भैया आज अगर आप बच्चों से भी पूछ लें कि आज क्या वायरल था बताओ बेटा, तो बच्चे भी आपको बता देंगे कि आज वायरल थे जेल से सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के नेता। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर आज ये वीडियो सुबह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो चल रहा है, और इसके अलावा हैशटैग आप एक्सपोज करके भी ट्विटर पर ये हैशटैग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसके अलावा लोग चर्चा भी कर रहे हैं, अब इसकी चर्चा हालांकि पूरे देश भर में भी की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास हो रही है। उत्तर प्रदेश में यहाँ के नेता भी बीजेपी के आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर, और लिख रहे हैं दिल्ली सरकार में खास रहे ये आम आदमी हैं, और केजरीवाल जी की सरकार जेल तक में इस आम आदमी को मसाज तक मुहैया करा रही है। जेल में मसाज, बिस्लेरी की बोतल, बिस्तर, अब क्या चाहिए, ये राजनीति बदलने आए थे। वीडियो देखिए जरा। इसके अलावा एक और ट्वीट कर शलभमणि त्रिपाठी लिखते हैं कि ये है केजरीवाल जी का जेल मॉडल, कसम से इतनी सुविधाएं तो घर पर भी नहीं मिलती जितने केजरीवाल जी अपने भ्रष्ट मंत्री को जेल में मुहैया करा रहे हैं, मसाज से लेकर बोतल बंद पानी और चेले चपाटे तक। अब लोग इस वीडियो को शेयर कर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब लोग लिख रहे हैं, देखिए साहब, सत्येंद्र जैन ने विश्व स्तरीय अस्पताल बनवाए हैं, यदि उसने थोड़ी सी मसाज करवा ली तो भाजपा वाले तो उसके पीछे ही पड़ गए। अब इतना शानदार काम करने वाला जेल में है तो क्या मसाज भी नहीं करवा सकता। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं कि वाह क्या दिन आ गए, जेल में अभी ठाट चल रहे हैं, मैं भी अपने घर में कैद हूं, केजरीवाल जी कृपया करके एक मसाज वाला यहां भी भिजवा दो, हम भी हाथ पैर दबवा लेंगे थोड़ा, यह हमारे जुर्म इन महाशय से ज्यादा है। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं कि तिहाड़ में इतनी सुविधाएं मिलती है तो मैं भी छोटा मोटा अपराध करना चाहूंगी, जज साहब अरविंद केजरीवाल जी को टैग करते हुए और दिल्ली पुलिस को आज्ञा दें। अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल हुआ यूं कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अप्रैल महीने में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। जैन पर कथित आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया। अब यह तो सच्चाई रही, लेकिन इसके बाद जब यह सोशल मीडिया पर वायरल हुए सत्येंद्र जैन, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जेल में सत्येंद्र जैन को एक्यूप्रेशर की थेरेपी दी जाती है शारीरिक कॉम्प्लेक्शंस के चलते, जेल में हर तरह के इलाज के आदेश अदालत ने दिए थे और तरह तरह की बीमारियां जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से बताई गई। तो भैया यहां पर सोशल मीडिया पर एक तरफ सत्येंद्र जैन का मस्त एकदम मसाज कराते वीडियो वायरल, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई इन्हें बीमारी थी और इसीलिए थेरेपी दी जा रही थी। हालांकि लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई सर पे जिस तरह से एक सलून में थेरेपी होती है खटखटखट करके, वैसे भी वो थेरेपी ले रहे हैं। तो तमाम मुद्दे और तमाम चर्चाएं इस पर हो ही रही है। बाकी बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इसके अलावा सोशल मीडिया पर सीतापुर का एक वीडियो काफी ज्यादा मार्मिक वीडियो है, और उसे देखकर आप भी एक बार को हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को पहले आप देखिए जरा। इस वीडियो के साथ ट्वीट कर लिखा गया कि सीतापुर के हर गांव में आशीष सिंह और महेंद्र सिंह ने दलित बुजुर्ग को बीच सड़क पर जाति सूचक शब्द कहते हुए बुड्ढा कहा और लात घूंसों से पीटा। पीड़ित के मुताबिक वह छोटी जाति का है और दोनों युवक सावर्ण हैं, इसीलिए दोनों गांव में उसे रिक्शा नहीं चलाने देते। मामला 16 नवंबर का है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस वीडियो को शेयर कर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वीडियो में वो दो युवक बुजुर्ग को पीट रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखद और हैरान करने वाला है कि कोई इस तरह से भी किसी बुजुर्ग के साथ बर्ताव कर सकता है। इस वीडियो को ट्वीट कर यूजर लिखते थे कि बेहद शर्मनाक,
यूपी एक क्राइम स्टेट बन चुका है। यूपी की मौजूदा स्थिति के अनुसार इसको जंगल राज कहना भी इसकी तारीफ ही होगी। इसके अलावा लोग लिखते दिखे कि हम परम पूज्य बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के तहत बराबरी, आपसी सम्मान और प्रेम के बंधन में बंधे हैं, पर शर्म की बात है कि फिर भी कुछ लोग शोषित, वंचित और दलित वर्ग पर जुल्म अत्याचार करने पर उतारू रहते हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि जब यह मामला तूल पकड़ता दिखा तो सीतापुर पुलिस ने भी काफी इस पर जो है संज्ञान लिया मामले में और ट्वीट कर लिखा, दिनांक 16/11/22 को थानार गांव पर मारपीट करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना केवल कार्रवाई बल्कि इन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने सलूक किया बुजुर्ग के साथ, ठीक वैसा ही सलूक इनके साथ भी होना चाहिए। तो भाई इस तरह के तमाम मांगों के साथ सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज थी और इसी के साथ खत्म होता है हमारे आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। और भैया इसी के साथ जान लीजिए कि अब तमाम खबरों के अपडेट्स आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए देखिए यूपी तक। नमस्कार।